Welcome student in the new session of your doubt and discussion for upcoming NEET exam. Myself Dr. S.K. Singh teach you biology at your tongue. हम लोगों ने एक स्पेसिफिक जर्नी मेडिकल एग्जाम को अच्छे मार्क्स से पास करने के लिए स्टार्ट किया था और वो जर्नी थी कि 9 डेज में हम आपको मैक्सिमम उन प्रोबेबल क्वेश्चंस को बोर्ड पर क्लासिकल टीचिंग के द्वारा सॉल्व कराएंगे और आपकी प्रैक्टिस कराएंगे, जिससे कि 700 मार्क्स नीट एग्जाम में इससे ज़्यादा और मोर देन 350 मार्क्स इन बायोलॉजी ये आप सुनिश्चित कर सकें और सिलेक्शन आसानी से आप पा जाएं एक मेडिकल कॉलेज में. स्टूडेंट्स, रोज़ हम आपसे लगातार मिल रहे हैं शाम को 7 बजे YouTube लाइव, और यहाँ पर मैं आपके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी कर रहा हूँ और आप जो आंसर्स भेज रहे हैं उस आंसर को रिस्पॉन्ड भी कर रहा हूँ. आज का सेशन लास्ट सेशन है 9 डेज के प्रैक्टिस के बाद. अब कल से फिर इसी टाइम में शाम को 7 बजे ही हम लोग टॉपिक वाइज किसी पर्टिकुलर टॉपिक को मैं डिस्कस करूँगा, जो टॉपिक काफ़ी इम्पॉर्टेंट है मेडिकल में आने वाले, और सारे टॉपिक को 5 डेज में मुझे कवर करना है. अलग अलग स्कैटर टॉपिक जो कि कठिन है और वहाँ से एक क्वेश्चन मिलेगा, हर उस टॉपिक को आपके सामने डिस्कस करेंगे और मिलेंगे हम शाम को 7 बजे लाइव आपसे, डिस्कस करेंगे कुछ और क्वेश्चंस को, कुछ और कंटेंट्स को. तो हम आज फिर से 9 सीरीज में आपसे डिस्कस करने के लिए हाजिर हैं. इस सारे क्वेश्चंस को, इसके आंसर्स को, और आप लोग पेन पेपर ले लीजिए, स्टार्ट हो जाइए, आंसर देना शुरू कर दीजिए और इसको टाइप भी करते चले जाइए, जिससे कि मैं देख सकूं कि विद इन टाइम रीडिंग ऑफ फ्रेम में कितने लोगों के आंसर्स करेक्ट आ रहे हैं. ओके स्टूडेंट्स, कम टू द फर्स्ट क्वेश्चन. पहले क्वेश्चन पर आ जाते हैं. क्वेश्चन सुनिए, कह रहा है द जीवन टू एस फेज ट्रांजिशन इज रेगुलेटेड बाई. अरे एनसीईआरटी का टिपिकल पार्ट है ये. क्या कह रहा है? द जीवन एस ट्रांजिशन इज रेगुलेटेड बाई. जीवन फेज से जब एस फेज में कोई सेल जाएगी इंटरफेज के, तो उस समय हमें ये देखना होगा कि उन दोनों के बीच का जो ट्रांजिशन फेज होगा, उस ट्रांजिशन फेज को कौन रेगुलेट करेगा. एनसीईआरटी में दिए गए ऑप्शंस को ही आंसर के रूप में टाइप करना शुरू कर दीजिए. पहला, साइक्लिन्स वनली, केवल साइक्लिन्स करेगा एंजाइम है. सेकंड कह रहा है नहीं भाई, साइक्लिन इंडिपेंडेंट काइनेज एंजाइम करेगा. साइक्लिन अकेले नहीं करेगा, साइक्लिन इंडिपेंडेंट, नॉट डिपेंडेंट. साइक्लिन डिपेंडेंट नहीं कर रहा, साइक्लिन इंडिपेंडेंट काइनेज एंजाइम जीवन एस ट्रांजिशन फेज को रेगुलेट करेगा. तीसरा ऑप्शन सुनिए, माइटोटिक साइक्लिन एंड CDK2 ये इस ट्रांजिशन फेज को रेगुलेट करेंगे. है ना, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन और एनसीईआरटी के लाइन से लिया गया ये क्वेश्चन. क्या भाई, माइटोटिक साइक्लिन एंड CDK2 ये रेगुलेट करेगा जीवन एस फेज को. या चौथा देखिए, जीवन साइक्लिन एंड CDK2 ये दोनों मिलकर के रेगुलेट करेंगे जीवन एस फेज के ट्रांजिशन स्टेज को. क्या होगा आंसर भाई, क्या होगा इसका आंसर? टाइप करना शुरू करें, जल्दी से भेजिए टाइप करके आंसर आप लोग, कि इनमें से क्या ये पहला सही है साइक्लिन वनली, क्या दूसरा सही है साइक्लिन इंडिपेंडेंट काइनेज एंजाइम, क्या ये तीसरा सही है माइटोटिक साइक्लिन एंड CDK2 एंजाइम, या फिर चौथा सही है जीवन साइक्लिन एंड CDK. तो आंसर इसका होगा स्टूडेंट्स, करेक्ट आंसर होगा थर्ड वाला, कि जीवन और एस फेज के ट्रांजिशन फेज को रेगुलेट करता है माइटोटिक साइक्लिन एंड CDK2. अगर आपको नहीं आंसर आ रहा था तो इसको आप याद कर जाइए. क्या कर जाइए? इसको याद कर जाइए. ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट कर जाते हैं. सेलेक्ट द ऑड वन आउट. नीचे गिवन 4 ऑप्शंस हैं और चारों में से जो सबसे बिल्कुल अलग हट करके है, ऑड है, उसको आप सेलेक्ट करिए. पहला ऑप्शन क्या है भाई? ट्यूबर. दूसरा है राइजोम. तीसरा है बल्बिस. चौथा है जियोस्पोर. जल्दी से ही, तो बहुत आसान क्वेश्चन है.
और क्लास ट्वेल्थ एनसीईआरटी के पहले टॉपिक रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स के एक पर्टिकुलर लाइन से लिया गया, यह सभी ऑप्शन है। तो बताइए कि ट्यूबर, राइजोम, बल्बिल्स और जियोस्पोर में से कौन बाकी सबसे एक ऐसा है जो बाकी सबसे डिफरेंट है। तो आंसर इसका क्या होगा स्टूडेंट, इसका आंसर होगा जियोस्पोर इज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम अदर थ्री। मतलब कि ट्यूबर, राइजोम और बल्बिल्स ये एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स के वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स होते हैं जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में भाग लेकर के नए प्लांट को जन्म देते हैं। बट जियोस्पोर, जियोस्पोर ये एक एसेक्सुअल स्पोर होता है जो एल्गी में पाया जाता है और फंजाई में भी कुछ होता है, एल्गी और फंजाई दोनों में होते हैं, और ये मोटाइल स्पोर होते हैं और ये फेवरेबल कंडीशंस में बनते हैं। तो इन चारों में आड वन आउट कौन हो गया, जियोस्पोर। जीवन एस के ट्रांजिशन फेज को ये याद करना पड़ेगा आपको, ऐसा क्वेश्चन आना ही आना है, मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन है ये। कौन रेगुलेट करेगा, तो आंसर है जीवन साइक्लिन एंड सीडीके, सीडीके टू देखिए नहीं करेगा, माइटाटिक साइक्लिन करेगा। कौन करेगा, माइटाटिक साइक्लिन एंड सीडीके टू करेगा। और इन चारों में सबसे बिल्कुल डिफरेंट कौन है, तो जियोस्पोर है। दो क्वेश्चन अब तक हम लोगों ने सॉल्व कर लिया, अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पर चलते हैं। मैच द कॉलम, कॉलम को मैच करके बताइए कौन सही है। तो दिया गया है वेजिटेटिव सेल, देखते रहिएगा, वेजिटेटिव सेल को मैच कराया है स्पोरोपोलिनिन से, जेनरेटिव सेल को मैच कराया है स्पिंडल शेप्ड सेल से, एग्जाइन को मैच कराया है लार्ज साइज्ड एंड एबंडेंट फूड से, इंटाइन को मैच कराया है सेलुलोज और पेक्टिन से। क्या ये मैच सही है, अगर सही है तो ठीक, नहीं सही है तो आप इसको बताइए करेक्ट क्या है। तो आंसर है कि ये करेक्ट मैच नहीं है। तो फिर इसके करेक्ट मैच का ऑप्शन क्या होगा स्टूडेंट्स, प्रश्न है, करेक्ट मैच फटाफट करना शुरू कर दीजिए, मैंने इसीलिए आपको समय दिया हुआ है। क्या दिया है, वेजिटेटिव से लार्ज साइज्ड इस एंड हैड एबंडेंट फूड रिजर्व्स, बिल्कुल सही। जेनरेटिव सेल के बारे में क्या कह रहा है, तो कह रहा है कि जेनरेटिव सेल जो होगी वह स्पिंडल शेप्ड सेल होगी, बिल्कुल सही है। ओके, एग्जाइन क्या होगा, अब चलिए मैं कैसे मैच करा देता हूं, आप परेशान ना हो। वेजिटेटिव सेल कौन सी होगी, तो ये लार्ज साइज की होगी, बड़े साइज की होगी, ये बड़े साइज की। और वेजिटेटिव सेल में फूड मैटर बहुत ज्यादा मात्रा में होता है, ये आपको याद करना होगा। अब आइए जेनरेटिव सेल का करेक्ट मैच दिया गया। जेनरेटिव सेल किसी भी पॉलन ट्यूब के अंदर जो होती है ना, वह स्पिंडल शेप्ड सेल होती है। एग्जाइन की वाल स्पोरोपोलिनिन की बनी होती है, आप देखिए ना इसको किसकी बनी होती है, और इंटाइन सेलुलोज और पेक्टिन से बना होता है। तो ये करेक्ट मैच है, ये इसका करेक्ट मैच है। क्या है करेक्ट मैच, तो देखिए एक पॉलन ग्रेन जब स्टिग्मा पर जर्मिनेट करता है तो पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन करता है। उस पॉलन ट्यूब के अंदर दो तरह की सेल होती है, एक वेजिटेटिव सेल और एक जेनरेटिव सेल होती है। तो दोनों तरह की सेल के बारे में कह रहा है कि जो वेजिटेटिव सेल है वह कैसी होगी और जेनरेटिव कैसी होगी। तो वेजिटेटिव हमेशा लार्ज होती है और उसमें फूड एबंडेंट होता है, जबकि जेनरेटिव सेल स्पिंडल शेप्ड सेल होती है। शेप देख लीजिएगा, एनसीईआरटी में लिखा है इस चीज़ को। एग्जाइन किसका बना होता है, स्पोरोपोलिनिन का बना होता है, और इंटाइन सेलुलोज और पेक्टिन का। तो हम लोगों ने तीसरा क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया, ठीक भाई। चलिए चौथे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, आप देखिए फोर्थ क्वेश्चन को। विच वन इज नॉट मेल एसेसरी डक्ट, देख रहे हैं ना, पूरे सिलेबस को कवर करता हुआ क्वेश्चन है, कभी इस टॉपिक, कभी उस टॉपिक, कभी इस टॉपिक। इन दिए गए ऑप्शन में से रेटी टेस्टिस, टेस्टिस एपिडिडाइमिस और वास डिफरेंस, वीडी का मतलब वास डिफरेंस, में से विच वन इज नॉट मेल एसेसरी डक्ट, चारों में से मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की एसेसरी डक्ट कौन नहीं है। क्या रेटी टेस्टिस नहीं है, क्या टेस्टिस नहीं है, क्या एपिडिडाइमिस नहीं है, क्या वास डिफरेंस नहीं है। तो आंसर है कि रेटी टेस्टिस तो होता ही है एसेसरी डक्ट, एपिडिडाइमिस भी होता है, वास डिफरेंस भी होता है, तो कौन नहीं होता है। आंसर है ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है, जिसका नाम क्या है, टेस्टिस, ये डक्ट नहीं होता।
ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है क्योंकि डुअल फंक्शन को परफॉर्म करता है, एक तो ये मेल गैमिट को बनाता है, दूसरा मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन एंड्रोजन को सिक्रीट करता है। तो टेस्टिस इज नॉट मेल एसेसरी डक्ट, ऐसा ही तो सिंपल क्वेश्चन आएगा मेडिकल के एग्जाम में। पांचवा क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन, एनसीईआरटी के फिर उसी लाइन से क्वेश्चन है, कितना सिंपल क्वेश्चन और ट्रिकी क्वेश्चन। कह रहा है कि पिल्स हैव टू बी टेकन कॉन्ट्रासेप्शन कंटिन्यूअसली फॉर ए पीरियड ऑफ, जो पिल्स होती है ना डेली पिल्स होती हैं माला डी और माला एन, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड में ओरल पिल्स के नाम से जानी जाती हैं ये। इसमें एक सीडीआरआई ने पिल्स बनाई थी, इसका नाम सहेली था, वंस अ वीक, एक सप्ताह में एक लेना होता है, नॉन स्टेरॉइडल ड्रग से बनी हुई है। आपको बताना है कि सहेली नहीं, माला डी और माला एन जो डेली पिल्स है कंटिन्यूअसली कितने दिनों तक एक फीमेल को लेना पड़ता है कॉन्ट्रासेप्शन के लिए। तो आंसर है क्या 22 दिनों तक लेना पड़ेगा, क्या 21 दिनों तक लेना पड़ेगा, क्या 24 दिनों तक लेना पड़ेगा या 25 दिनों तक, कौन सा आंसर इसमें सही है। तो आंसर है कि हमारी एनसीईआरटी ने लिखा है करेक्ट आंसर कि पिल्स हैव टू बी टेकन फॉर कॉन्सेप्शन कॉन्ट्रासेप्शन नॉट कॉन्सेप्शन कॉन्ट्रासेप्शन कंटिन्यूअसली फॉर ए पीरियड ऑफ 21 डेज स्टार्टिंग फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड रिपीटेड बाई सेम वे, उसी तरह से रिपीट कर देना होता है। तो ये 21 डेज तक कंटिन्यूअसली इसको लेना पड़ता है, किसको, इस पिल्स को जिसका नाम माला डी और माला एन होता है। क्वेश्चन नंबर 6 स्टूडेंट, छठवें क्वेश्चन पर आ जाइए। क्या कह रहा है कि विच जीनोटाइप इज करेक्टराइज्ड बाई हेट्रोजाइगस फॉर टू जीन्स, कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं जीन्स के, चार देखिए ना, ये चार ऑप्शन है इसका, इस क्वेश्चन नीचे है ऑप्शन ऊपर है, इन चारों ऑप्शन में से ये बताइए कि दो जीन का हेट्रोजाइगस एलील किस ऑप्शन में दिया गया है। टू जीन का हेट्रोजाइगस, होमोजाइगस नहीं, दो जीन है और दोनों के हेट्रोजाइगस फॉर्म किस ऑप्शन में है, क्या कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई में है। आंसर है कि इसमें पहला तो होमो हो गया, दूसरा होमोजाइगस हेट्रो है, तो दोनों हेट्रो नहीं है। इधर देख लीजिए कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई इसमें भी एक ही हेट्रोजाइगस है कैपिटल आर स्मॉल आर, इसमें भी हेट्रोजाइगस क्या है तो एक ही है कैपिटल वाई स्मॉल वाई, लेकिन ये वाला ऑप्शन हमें ऐसा मिलता है, देखिए ये कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें दो जीन है आर और वाई के, और पहला जीन भी हेट्रोजाइगस है और दूसरा जीन भी क्या है हेट्रोजाइगस है। तो इस छठे क्वेश्चन का आंसर होगा फोर्थ ऑप्शन कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अगले क्वेश्चन पर आइए, क्वेश्चन नंबर 7 पर देखिए, इस डायग्राम को ध्यान से देखिए, ये फीमेल ये मेल बाकी इसकी प्रोजेनी, मींस अगर हम इसको इंडिकेट करें तो हमें क्या मिलेगा, तो ये फर्स्ट जनरेशन का केस होगा, ये सेकंड जनरेशन का केस होगा और ये थर्ड जनरेशन का केस होगा, तीन अलग अलग जनरेशन को दिखाया गया है। और कह रहा है कि प्रेडिक्ट द कैरेक्टर्स फ्रॉम पेडिग्री चार्ट, जो ये पेडिग्री का चार्ट दिया गया है उसके अकॉर्डिंग आप कैरेक्टर्स को आइडेंटिफाई करिए कि क्या कैरेक्टर इस पेडिग्री का होगा। चलिए मैं आपको बताता हूँ, पेडिग्री के करेक्टर्स में सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि ये ऑटोसोम है कि सेक्स डिसऑर्डर है, ऑटोसोमल है या सेक्स क्रोमोसोमल सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर्स हैं। अगर ऑटोसोमल होगा तो मेल और फीमेल दोनों इक्वली अफेक्टेड होंगे, और अगर ये सेक्स क्रोमोसोमल डिसऑर्डर होगा तो या तो मेल अफेक्टेड होगा या फीमेल अफेक्टेड होगा, एक पॉइंट। तो क्या यहां पर अफेक्टेड है, देखिए ये अफेक्टेड है ये अफेक्टेड नहीं है, ये मेल है ये फीमेल है, तो आप बताइए कि क्या मेल और फीमेल इक्वली अफेक्टेड है, नहीं है, इसका मतलब ये ऑटोसोमल तो होगा ही नहीं। दूसरा होता है कि क्या ये डोमिनेंट है या रिसेसिव है, तो डोमिनेंट तो तब होगा ना जब कोई भी जेनेटिक डिसऑर्डर के ट्रेट्स हर जनरेशन में दिखाई दे, और रिसेसिव का मतलब जनरेशन स्किप करे, तो इसमें पहली जनरेशन में नहीं है, दूसरी में है, तीसरी में नहीं है, इसका मतलब जनरेशन स्किप कर गई, तो ये डोमिनेंट भी नहीं हो सकता, ये क्या होगा, ये रिसेसिव कैरेक्टर होगा।
देख रहे हैं ना, ये इसका मतलब कि ये ऑटोसोम नहीं है तो ये सेक्स क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है, और दूसरा ये डोमिनेंट नहीं है, ये क्या है, रिसेसिव है। तो दो चीज़ें तो इस पेडिग्री से पता चल रही हैं। ऑप्शन देखिए जरा ध्यान से, डोमिनेंट एंड कैरीड बाई एक्स क्रोमोसोम, ये डोमिनेंट है और एक्स क्रोमोसोम से कैरी हो रहा है। एक्स से तो पॉसिबल है बट ये डोमिनेंट तो नहीं है, पहला ऑप्शन गलत। दूसरा ऑप्शन देखिए, कैरीड बाई वाई क्रोमोसोम्स, ये वाई क्रोमोसोम से कैरी हो रहा है। वाई का मतलब मेल टू मेल, मेल टू मेल, मेल टू मेल, ऐसा कहाँ दिख रहा है हमको, नहीं दिख रहा है। तो ये सेक्स लिंक्ड रिसेसिव करेक्टर है। अरे भाई यही तो है, ये कैसा करेक्टर, ऑटोसोम नहीं है तो सेक्स लिंक्ड है, और डोमिनेंट नहीं तो क्या, रिसेसिव। इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर ये होगा कि ये सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर होता है, ऑटोसोमल होता नहीं है। तो पहला भी नहीं होगा, दूसरा भी नहीं होगा, चौथा भी नहीं होगा, आंसर क्या होगा इसका, तीसरा होगा। ओके स्टूडेंट्स, अब जरा ध्यान दीजिएगा इस चीज को, आप लोग इस कॉलम को मैच करिए। इन इवोल्यूशन में अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के ओरिजिन पीरियड को दिया गया है और आपको करेक्ट मैच इसमें से करना है। क्या भाई, तो इनवर्टिब्रेट्स की ओरिजिन टाइम क्या दिया गया, 500 मिलियन ईयर्स एगो। जालेस फीसेस का, जिनके अंदर जबड़े नहीं होते थे, इनका 320 मिलियन ईयर्स एगो दिया गया है। सी वीड्स का दिया गया है 350 मिलियन ईयर्स एगो। अब देखिए ना इसको, तो अपने आप ये क्लियर हो जाएगा। अब आप बिल्कुल और ज्यादा क्लियर देख सकते हैं इस चीज को। क्या समझ में आ रहा है, कह रहा है कि इनवर्टिब्रेट्स का कितना टाइमिंग है भाई, 500 मिलियन ईयर्स एगो। क्या ये सही है, तो आंसर है बिल्कुल ये सही है, ये मैच 100% सही है। तो दिस इज द करेक्ट मैच। जालेस फीसेस के बारे में कह रहा है कि 320 मिलियन ईयर्स एगो, ये तो गलत है। जालेस फीसेस का टाइम पीरियड था 350 नहीं बल्कि ऐसा 350, मतलब जालेस फीसेस में कौन सा आएगा, 350 मिलियन ईयर्स आएगा। सीवीड्स का 350 नहीं था, 320 था, तो सीवीड्स की ओरिजिन 320 हो जाएगी। और ट्रायोपिथेकस और रामापिथेकस ह्यूमन 15 मिलियन ईयर्स एगो पैदा हुए थे। तो देखिए इसका भी मैच आपके सामने आ गया, और याद भी रहेगा, ये भूलेगा नहीं आपसे, क्योंकि मैं बोल रहा हूं ना, आप सुन रहे हैं, सुन करके क्वेश्चंस को लगा रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो यहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा कि इनवर्टिब्रेट्स का सही मैच है 500 मिलियन ईयर्स एगो, और ड्रायोपिथेकस और रामापिथेकस का भी सही मैच है 15 मिलियन ईयर्स एगो। सिर्फ बीच में ये इंटरचेंज किया है, जालेस फीसेस का 320 कर दिया है और सीवीड्स का 350 कर दिया है, और ये गलत मैच किया है। जालेस फीसेस का ओरिजिन 350 था और सीवीड्स का 320 था, क्योंकि पहले प्लांट बने थे, बाद में एनिमल्स बने थे। स्टूडेंट्स ये रहा एक प्रैक्टिस, मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन। अगर आप इस पूरे क्वेश्चंस को देखिए, और आप लोगों ने थोड़ा सा भी पेपर का पिछले सालों का देखा होगा ट्रेंड, तो आपको लगेगा कि 200% ये एग्जैक्टली मैच कर रहा है, और ये क्वेश्चन रिपीट नहीं है। ऐसा नहीं कि इसमें से कोई क्वेश्चन आया हुआ है किसी मेडिकल में, इसका मतलब एग्जैक्टली ये प्रोबेबल क्वेश्चन है आने वाले अपकमिंग नीट एग्जाम में, जिसको सॉल्व करके आप 350 इजिली स्कोर कर लेंगे। और ये आज जब कंप्लीट हो जाएगा ना, तो आप देखिएगा इसके बाद से मैं रैंडम टॉपिक उठाऊंगा, 5-5, 6-6 टॉपिक एक लेक्चर में ले आऊंगा, और हर एक की प्रैक्टिस आपको करा करके थियोरेटिकली भी स्ट्रांग करना है मुझे आपको। कितने बजे, शाम को 7 बजे YouTube पर लाइव आपसे मिलना है। ओके स्टूडेंट्स, अब इसको मैं मिटाता हूं, और इसके बाद से हम लोग रैपिड फायर राउंड में आते हैं, जहां की अब आप, मैं क्वेश्चन लिखता जाऊंगा, और मेरे क्वेश्चन की फ्रेम ऑफ रीडिंग के कंप्लीट होने से पहले या कंप्लीट होते होते आप ऑप्शन दे देंगे। अगर नहीं दे पाए किसी वजह से, तो फिर ऑप्शन देख करके इसके आंसर को आपको देना है, और अगर उससे भी नहीं समझ में आया तो फिर मेरे एक्सप्लेनेशन को सुनना है, और उसके अकॉर्डिंग उस क्वेश्चन के आंसर को याद करना है, क्वेश्चन के साथ साथ एक्सप्लेनेशन को भी। हम आपसे डाउट सेशन में भी मिलने वाले हैं, जहां भी कोई क्वेश्चन का डाउट होगा, तो एक प्लेटफॉर्म हम आपको देने जा रहे हैं,
जहां पर आप अपने किसी भी क्वेश्चन को भेज सकते हैं और मैं एनी टाइम आपके उस क्वेश्चन का आंसर दूंगा। अगर ज़्यादा क्वेश्चंस हुए तो मैं लाइव आकर के उस सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा आपसे, बट आई विल इन्फॉर्म, मैं सब कुछ इन्फॉर्म करता रहूंगा टाइम टाइम पर आपको। आप मेरे साथ कुछ दिनों के लिए सिर्फ बने रहिए, जब तक कि ये एग्ज़ाम आप दे नहीं लेते और आपके नंबर 350 से ज़्यादा बायो में आ नहीं जाते। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर बढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट पर बढ़ने से पहले मैं आपको एक डायग्राम दिखाना चाहता हूँ। डायग्राम देखिए भाई, एक डायग्राम देखिए आप लोग, इस क्वेश्चन का डायग्राम देखिए। ये क्वेश्चंस का डायग्राम है ये। बहुत सारे स्टूडेंट्स तो समझ भी गए होंगे कि क्या है ये। ओके स्टूडेंट्स, बिल्कुल जो समझ गया बहुत अच्छी बात। यहां पर ये डायग्राम आप समझ गए होंगे, गाइनेशियम का स्ट्रक्चर है और आपको इसमें आइडेंटिफाई करना है ए बी सी और डी को। आइडेंटिफाई ए बी एंड सी डी, क्वेश्चन मैं लिख देता हूं जिससे कि आप परेशान नहीं होंगे। क्वेश्चन है आइडेंटिफाई ए बी सी एंड डी, इसको आइडेंटिफाई करिए क्या है ये। अरे क्वेश्चन तो बड़ा अच्छा है आने वाला नीट में, ए बी सी डी ये चारों को पहचान करिए क्या क्या है। जल्दी से नाम लिखिए फटाफट, अब लिखने में टाइम लगेगा आप लोगों को। भाई देखिए इसका ए क्या है जरा सोचिए ना, ए वाला पार्ट कह रहा है ये स्टिग्मा है। ये क्या है स्टिग्मा, कभी कभी कंफ्यूज होकर के इसको लोग कार्पेल का नाम दे देते हैं, जबकि ये टॉप के लेवल पर, देखिए मैं इसको नहीं, इसके सरफेस से इस लाइन को उठाया गया है। ये बी क्या है स्टाइल है, सी क्या है ओबरी है, और डी क्या है भाई थैलमस है। क्या है थैलमस, ये आइडेंटिफाई हो गया इसका, ए स्टिग्मा बी स्टाइल डी थैलमस। अगर आपको इसको समझने में दिक्कत हो तो आप देखिए एक लाइन ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये यहां से इसको उठाया गया होगा। आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे डायग्राम में तो अपने आप आपको समझ में आ जाएगा। ए स्टिग्मा बी स्टाइल सी ओवरी डी थैलमस, हो गया एक क्वेश्चन आपका बहुत आसानी से ये सॉल्व हो सकता है भाई, अगर आप कोशिश करें तो। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ऑल दीज फैक्ट्स आर ट्रू, एक और क्वेश्चन कह रहा है, सुनिए क्या कह रहा है। ऑल दीज फैक्ट्स, कितना बढ़िया क्वेश्चन लोगों ने बनाया है ना, फैक्ट्स आर ट्रू। अब अगला क्वेश्चन है, ये तो हो गया, इसका आंसर ये हो गया आपके सामने। अब दूसरे क्वेश्चन पर आ जाइए, ऑल दीज फैक्ट्स, नीचे कुछ फैक्ट्स दिए जाएंगे उसमें सब सही हैं। ऑल दीज फैक्ट्स आर ट्रू, सही है। अबाउट द नियंडरथल मैन, किसके बारे में, अबाउट द नियंडरथल, नियंडरथल मैन आपने सुना होगा इसके बारे में, नियंडरथल के बारे में। एक्सेप्ट छोड़ करके कुछ फैक्ट्स मैं आपके सामने लिखूंगा, उस सभी फैक्ट्स में से सब सही है, केवल एक फैक्ट गलत है नियंडरथल के रेस्पेक्ट में। आपको उसी गलत फैक्ट को सेलेक्ट करना है। चलिए भाई लिख दें, लिख देते हैं। आइए देखिए पहला फैक्ट सुनिएगा, फर्स्ट फैक्ट। पहला फैक्ट कह रहा है कि ब्रेन साइज इज 1400 cc, इसकी ब्रेन साइज 1400 cc। सुनिएगा दूसरा ऑप्शन, सुनिए दूसरा कह रहा है, यूज हाइड्स टू प्रोटेक्ट देयर क्लॉथ, यूज्ड हाइड्स टू प्रोटेक्ट, यूज हाइड्स टू प्रोटेक्ट देयर बॉडीज, अपने शरीर को ढकने के लिए, प्रोटेक्ट देयर बॉडी, अपने शरीर को ढकने के लिए, सुरक्षा के लिए शरीर को छिपा करके रखता था, छिप करके रखता था।
तीसरा कह रहा है लिव्ड इन सेंट्रल एशिया, लिव्ड इन सेंट्रल एशिया, कहाँ रहता था? सेंट्रल एशिया में। आप लोग पढ़ते पढ़ते तो समझ ही गए होंगे, बिटवीन बिटवीन किसके बीच में, तो ये भी मैं डाटा लिख देता हूं कि आपको याद रहे ये चीज को, 41 लाख 40,000 ईयर्स, मतलब 40,000 जो 40,000 है ना, ये ईयर्स एगो, ईयर्स एगो नियंडरथल के बारे में कह रहा है कि सारे स्टेप। क्या ये पहला स्टेप सही लग रहा है कि ब्रेन साइज 1400 सीसी थी, यूज्ड हाइड्स टू प्रोटेक्ट देयर बॉडी, अपने शरीर को वो प्रोटेक्ट करता था, लिव्ड इन सेंट्रल एशिया बिटवीन 1 लाख टू 40,000 ईयर्स, या फिर ये वाला ऑप्शन है, ये वाला ऑप्शन है चौथा सही, मतलब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही कह रहा है कि देयर फॉसिल वर डिस्कवर्ड इन जावा, देयर फॉसिल वर डिस्कवर्ड फ्रॉम जावा, इसका फॉसिल कहां से डिस्कवर्ड हुआ था, जावा से, जावा सुमात्रा, इन 1891। स्टूडेंट जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए आप, 1891 कौन सा आंसर सही है, आंसर है इसका चौथा वाला आंसर सही है, ये वाला आंसर सही है इसका, ये फॉसिल जावा से डिस्कवर्ड नहीं हुआ था इस सन में, तो नियंडरथल के लिए सब तो सही है, ये चौथा वाला स्टेटमेंट सही नहीं है, दिस इज द राइट आंसर स्टूडेंट्स। दो क्वेश्चन, एक तो डायग्रामेटिक होगा क्वेश्चन, और देखिए कितना सिंपल है, अगर आपको आ रहा होगा तो सीधा सीधा चार नंबर मिल जाएगा, ये भी देखिए ना इवोल्यूशन का, ह्यूमन इवोल्यूशन का क्वेश्चन है और आ रहा होगा तो आसानी से, आप पूरी एनसीईआरटी की लाइन ही तो है ये, एकदम इजीली आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। आज के लेक्चर में आप एक खासियत देख रहे हैं कि किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक का क्वेश्चन तो आ ही नहीं रहा है, पूरे सिलेबस से ये क्वेश्चंस घूम रहे हैं, और ये इसलिए हो रहे हैं क्योंकि ये इस सीरीज का जो मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन है, इसका पहले पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट स्टेप है स्टूडेंट्स। अच्छा भाई चलिए ठीक है, इतना तो कर लिया आपने, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चंस को सुनिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक डायग्राम मैं बना रहा हूं, फिर डायग्राम बनाना, चलो कोई बात नहीं मैं क्या करूं, ये देखो एक डायग्राम, डायग्राम सोचो किस चीज का हो सकता है, ऐसा डायग्राम एनसीईआरटी में आपने कहां देखा है, अब सोचिए कुछ लगाइए, कोशिश करिए, ये अब देखिए एन और सी एस थ्री, क्या लिख देता हूं, एन सी एस थ्री, अब पहचान में आया कुछ डायग्राम, ये कोई बात नहीं, अब देखिए ऐसे देखिए, इस क्वेश्चन को समझिएगा, यहां से एच, यहां पर एच, अब इस डायग्राम को पहचानने की कोशिश करिए, थोड़ा और भी आगे बढ़ना चाहिए आप बढ़ सकते हैं, यहां एच देखिए, इस क्वेश्चन को पहचानिए, अब तो पहचान में आ जाना चाहिए भाई, डबल बॉन्ड ओ, फिर सिंगल सी एस थ्री, अब देख लीजिए यहां से ओ और सी एस थ्री, अरे अब तो आगे नहीं बनाएंगे, इस डायग्राम को पहचान लीजिए सिर्फ इतने पर, व्हाट इज शोन इन द फिगर, क्वेश्चन है What is shown in the figure? What is shown, S-H-O-W-N, in the figure? इस फिगर में क्या दिखाया जा रहा है, जल्दी से लिखिए आप, फास्ट फास्ट स्टूडेंट्स, पहला पहला ऑप्शन सुनिए, कह रहा है कि ये कैनाबिनॉइड है, क्या है कैनाबिनॉइड, क्या ये सही है, अगर सही लगता हो तो आप एकदम बिल्कुल यहीं पर रुक सकते हैं, नहीं लगता हो तो आगे बढ़ जाइए, कह रहा है कि मॉर्फिन है, क्या ये सही है, ये मॉर्फिन का स्ट्रक्चर ऐसा है, तीसरा देखिएगा, पूरा नहीं बनाया मैंने, बस पहचान उतने से आ जाएगी, क्या ये निकोटीन है, क्या ये निकोटीन है, अगर निकोटीन सही है लगता है आपको
तो इसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। नहीं लगता तो फिर चौथे ऑप्शन पर आ जाइए। चौथा ऑप्शन कह रहा है कि ये लोबेलिन है। हाँ जी, क्या है लोबेलिन? क्या लोबेलिन है? अरे भाई, बर्ड बीक लाइक स्ट्रक्चर मॉर्फिन का होता है ना, दिस इज द करेक्ट आंसर। ये किसका आंसर है? तो मॉर्फिन का ही आंसर है, ये मॉर्फिन का स्ट्रक्चर है। ओके स्टूडेंट्स, आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। वुचरेरिया काजेज, एक और क्वेश्चन सुनिएगा, और क्वेश्चन पर सुनिए। वुचरेरिया, अरे भाई घबराओ मत, लग रहा है कि पहले ही आंसर दे दोगे। वुचरेरिया काजेज, जरा सुनो तो सही, क्या काज करता है? पहला ऑप्शन सुनना, इसका ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो सेलेक्ट करो, फटाफट आंसर ही दे दोगे, ऐसे थोड़ो होता है। एक्यूट इन्फ्लेमेशन, अब आओ, अब एनसीईआरटी पढ़े होगे तो लगेगा। एक्यूट इन्फ्लेमेशन, क्या यह एक्यूट इन्फ्लेमेशन काज करता है? दूसरा सुन लो, अगर नहीं करता है तो क्या यह क्रोनिक इन्फ्लेमेशन काज करता है? नहीं करता तो सुनिए, ये ऐसे थोड़ो था कि फाइलेरियल वार में फाइलेरिया आंसर में देगा, आंसर तो कुछ भी दे सकता है। क्या कर रहा है? बैक्टीरियल इन्फ्लेमेशन काज करता है, ये क्या करेगा बैक्टीरियल इन्फ्लेमेशन? या फिर चौथा, ये करेगा वायरल इन्फ्लेमेशन काज? कौन सा आंसर सही होगा इसका, कि बुचरेरिया से कौन सा इन्फ्लेमेशन होता है? एक्यूट होता है, क्रोनिक होता है, बैक्टीरियल होता है, वायरल होता है? आंसर है बैक्टीरियल, वायरल तो नहीं होगा, तो दो तो वैसे ही छट गया, एक्यूट और क्रोनिक में आंसर होगा क्रोनिक इन्फ्लेमेशन काज करता है। बुचरेरिया क्या काज करता है? क्रोनिक इन्फ्लेमेशन, दिस इज द आंसर। एक क्वेश्चन और आइए, अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम लोग स्टूडेंट्स। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन इंडिया एग्रीकल्चरल अकाउंट्स फॉर, इन इंडिया, जल्दी से सुनते रहिएगा, एग्रीकल्चर, इन इंडिया एग्रीकल्चर अकाउंट फॉर, इन इंडिया एग्रीकल्चर अकाउंट फॉर अप्रॉक्स, ए डबल पी आर ओ एक्स, अप्रॉक्स डॉट डॉट डॉट, कितना इंडिया में एग्रीकल्चर कितना अकाउंट करता है ऑफ इंडियाज जीडीपी? ऑफ क्या? इंडियाज जीडीपी, भारत की जीडीपी का, इंडियाज ग्रॉस, ये जीडीपी, इंडिया की जीडीपी का कितना एग्रीकल्चर है? एंड एम्प्लॉयज नियरली, और कितना एम्प्लॉयज नियरली, और कितने लोगों को ये रोजगार देता है एग्रीकल्चर नियरली? डैश परसेंटेज इन इंडिया। अब सोचिए कि अभी तक तो हम लोग ये कर रहे थे क्वेश्चन इस कैनाबिनॉइड के बारे में, फिर हमने ए बुचरेरिया के क्वेश्चन को लिया, अचानक से फिर चेंज हो गया। क्या हो गया? कह रहा है कि ये तो स्ट्रेटजी टू इन्हेंसमेंट ऑफ फूड क्रॉप का क्वेश्चन आ गया, कि इन इंडिया एग्रीकल्चर अकाउंट फॉर अप्रॉक्स, कितना नाम बताना है इंडियाज जीडीपी, भारत की जीडीपी का, एंड एम्प्लॉयज नियरली, और कितना रोजगार देता है, मतलब हमारे भारत की जीडीपी का एग्रीकल्चर कितना है और उसमें कितने लोगों को रोजगार मिला हुआ है, परसेंटेज बताना है स्टूडेंट्स। हाँ भाई ठीक है, आप बोल रहे हो, मैं आंसर दे देता हूँ, देखो लिखो आंसर। चलो इसके आंसर को देखो, 3362 पहला आंसर है, 33 और 62, क्या ये सही है? दूसरे में आ जाओ, अगर ये सही नहीं है दूसरा सुनना, 62 33, क्या इतना परसेंट है? अगर इससे नहीं सेटिस्फाइड हो आप लोग तो तीसरे आंसर पर आ जाओ, थर्ड आंसर को देखो, 50% जीडीपी का और 50% एम्प्लॉयमेंट का। चलो ये अगर नहीं सही लगता तो चौथे ऑप्शन को देख लो आप एक बार, 60% ये जीडीपी का और 40% एम्प्लॉयमेंट का, जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो जो एनसीईआरटी ने लिखा है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में भारतीय जीडीपी का कितना योगदान है और कितने लोगों को रोजगार मिला हुआ है, तो ध्यान रखिएगा कि हमारे इंडिया की जीडीपी का एग्रीकल्चर 33% है। कितना है? 33%। और कितने लोगों को रोजगार मिला हुआ है? लगभग डबल, मतलब 62%। तो 33 वाला आंसर अगर आपको याद होगा तो ऑटोमेटिकली ये आंसर कलेक्ट हो जाएगा। और इस तरह से देखिए तीन अलग अलग सेक्शंस के एनसीईआरटी के क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व कर ले गए।
और ऐसे क्वेश्चन जो देखने में तो आसान है बट गलत हो जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद से नेक्स्ट आइए क्वेश्चंस को देखिए, अगले क्वेश्चंस को देखिए जिसकी प्रोबेबिलिटी एप्रॉक्स ज्यादा लग रही है, क्योंकि ये करंट अफेयर से भी रिलेटेड है इस क्वेश्चन का, और इसमें आंसर क्या होना चाहिए आप खुद सोचिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि मैच द कॉलम को मैच कर दीजिए। क्या कॉलम है भाई? व्हाइट रिवॉल्यूशन, ग्रीन रिवॉल्यूशन, ब्लू रिवॉल्यूशन, समझ में आ रहा है? पहला कह रहा है कि व्हाइट रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है? व्हाइट रिवॉल्यूशन, तो आंसर इसका ऑप्शन दे रहा है मैचिंग में, इंक्रीज्ड मिल्क प्रोडक्शन। क्या ये मिल्क प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए कहा गया? दूसरा मैच सुनिएगा, सेकंड कह रहा है कि ग्रीन रिवॉल्यूशन को मैच करिए, ग्रीन रिवॉल्यूशन, हरित क्रांति, ये आप कह रहा है इंक्रीज्ड क्रॉप के प्रोडक्शन को इंक्रीज करने की बात ये कर रहा है, क्या ये सही है? चलिए तीसरा भी देख लीजिए, ब्लू रिवॉल्यूशन के बारे में क्या मतलब है भाई? तो सुनिए इसका भी ऑप्शन क्या कह रहा है, इंक्रीज इन फिश प्रोडक्शन। अब आप जरा इसको मैच करके देखिए, क्या ये मैच सही है तो ठीक, नहीं है तो आप इसका सही मैच करके बताइए कि ये कॉलम मैचिंग में कौन सा ऑप्शन करेक्ट माना जाएगा। बोलिए भाई बोलिए। अरे तो बिल्कुल सही है, व्हाइट रिवॉल्यूशन का मतलब मिल्क का प्रोडक्शन होता है, करेक्ट है ये मैचिंग। ये ब्लू ग्रीन रिवॉल्यूशन का मतलब क्रॉप प्रोडक्शन के मैचिंग, ये भी सही है। अब ब्लू रिवॉल्यूशन का मतलब फिशरीज होता है ना, मेरीन एनिमल्स का प्रोडक्शन, मतलब दिस इज द करेक्ट मैच। ऐसा क्वेश्चन आएगा तो ए का 1, बी का 2, सी का 3, ऐसे ही नीट का क्वेश्चन है पिछले साल के पेपर की तरह, एग्जैक्टली मैच ही मैच है इसमें। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर आ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? चूज द करेक्ट ऑप्शन विथ रिगार्ड टू स्टेटमेंट ए एंड बी। चूज द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग ए एंड बी। ए और बी ये दो स्टेटमेंट्स हैं और उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। स्टेटमेंट ए क्या कह रहा है उसको पहले सुन लीजिए एक बार। स्टेटमेंट ए कह रहा है कि लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया आर रिस्पॉन्सिबल फॉर LAB is responsible for converting किसको कन्वर्ट करने के लिए? लैब इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्टिंग मिल्क इंटू कर्ड, किसको भाई? तो आंसर है रिस्पॉन्सिबल कन्वर्टिंग मिल्क इंटू कर्ड, मिल्क को कर्ड में। क्या ये स्टेटमेंट सही है? बी सुन लीजिए, बी कह रहा है कि लैब लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया क्रिएट एसिडिक मीडियम। ये एसिडिक मीडियम, लैक्टिक एसिड है तो एसिडिक तो होना चाहिए भाई, कहां तक सही है ये तो मुझे नहीं पता, आप खुद देखिएगा। एसिडिक मीडियम necessary to coagulate मिल्क प्रोटीन को कोएगुलेट करने के लिए यह एसिडिक मीडियम क्रिएट करता है। आप खुद ही बता दीजिए क्या दोनों स्टेटमेंट सही है, क्या दूसरा स्टेटमेंट पहले स्टेटमेंट का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है,
क्या पहला सही है दूसरा गलत है, क्या पहला गलत है दूसरा सही है, या क्या दोनों गलत हैं या दोनों सही हैं, क्या है? आप खुद सोच के बता दीजिए, यही ना ऑप्शन में कोई ना कोई मिलेगा। बोलिए भाई जल्दी से बताइए आप लोग आंसर, इसका आना चाहिए आंसर तुरंत। तो आंसर इसका क्या है? आंसर है कि दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट कि लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जो होता है ना लैब, ये मिल्क को कर्ड में बदलने का काम करता है। लेकिन दूसरा स्टेटमेंट गलत है, ये गलत है, दिस इज रॉन्ग, स्टेटमेंट बी इज रॉन्ग। यह मिल्क प्रोटीन को कोएगुलेट करने के लिए एसिडिक मीडियम क्रिएट नहीं करता, मिल्क प्रोटीन को कोएगुलेट करने के लिए रेनिन काम करता है, और वहाँ पर एसिडिक मीडियम HCl के द्वारा कन्वर्ट होता है, ये बैक्टीरिया के द्वारा नहीं होता भाई। यही तो है क्वेश्चंस की खासियत। अगला क्वेश्चन सुनिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन भाई स्टूडेंट्स, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द रॉड शेप्ड बैक्टीरिया शोविंग फ्लैजला आर मैग्निफाइड एट, अब ये भी क्वेश्चन है, द रॉड शेप्ड बैक्टीरिया, ये भी आंसर अगर एनसीईआरटी आप पढ़े होंगे तो जरूर आना चाहिए। रॉड शेप्ड बैक्टीरिया, एक रॉड शेप्ड बैक्टीरिया शोविंग फ्लैजला, जिसमें क्या है, शोविंग फ्लैजेला, उसके अंदर फ्लैजेला है, एक रॉड शेप्ड बैक्टीरिया है शोविंग फ्लैजेला, आर मैग्नीफाइड एट, ये मैग्नीफाइड होगा कितने पर। ऑप्शन बोलिए, इसका आंसर बिना देखे याद होना चाहिए, क्योंकि याद होने वाला, अगर याद होगा तो आप लगा पाओगे। 5 × 10³, कितना भाई, 5 × 10³, क्या ये वाला ऑप्शन सही है? नहीं, अगर लगता है तो दूसरे पर आ जाइए, दूसरा ऑप्शन सुनिएगा। दूसरा कह रहा 5 × 10⁴, कह रहा है 5 × 10⁴, क्या ये ऑप्शन सही है? अगर सही नहीं है तो तीसरे ऑप्शन को देखिए। थर्ड ऑप्शन कह रहा है कि 1.5 × 10³, 1.5 कह रहा है ना कि 1.5 × 10³, क्या ये सही है? और नहीं सही है तो चौथा ऑप्शन ये सही है, 15 × 10³। जल्दी बताइए, एनसीईआरटी ने लिखा है इसको कि रॉड शेप्ड बैक्टीरिया जिसमें फ्लैजला होता है उसका मैग्निफिकेशन कितने पर हम कर सकते हैं? अरे भाई कितने पर कर सकते हो आप लोग? तो इसका आंसर है ये वाला सेकेंड, 5 × 10⁴, दिस इज द करेक्ट आंसर। और ये तो क्वेश्चन आ जाएगा, अगर नहीं याद आएगा तो गलत हो जाएगा ना। ये तो अच्छा हुआ कि मैंने आपको प्रैक्टिस करा दिया, और ये आपसे नहीं भूलेगा कभी भी। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। आइए देखिए अगले क्वेश्चन को समझिए। अगले क्वेश्चंस की तरफ आ गए हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन की प्रैक्टिस। सेशन के एंड में आपके सामने कुछ और भी क्वेश्चन आ रहा है कि इन एन एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर, क्वेश्चन आ रहा है कि इन एन एनारोबिक, नाम सुना होगा एनारोबिक स्लज, SLUDGE स्लज डाइजेस्टर, माइक्रोब एंड ह्यूमन वेलफेयर का क्वेश्चन है ये। ड्यूरिंग डाइजेशन प्रोसेस ड्यूरिंग का भाई, तो कह रहा है कि ड्यूरिंग डाइजेशन प्रोसेस, जब डाइजेशन की प्रोसेस हो रही होगी तो ड्यूरिंग डाइजेशन प्रोसेस प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करता है? गैसियस मिक्सचर विच कॉन्टेन, जो कि कॉन्टेन करता है क्या क्या, इसका तो बिना ऑप्शन दिए आपको आंसर देना चाहिए। माइक्रोब एंड ह्यूमन वेलफेयर में कह रहा है कि एनारोबिक्स एसटीपी का केस है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, कि एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में जब डाइजेशन की प्रोसेस हो रही होगी तो आप बताइए कि उस समय जो गैस निकल रही होगी उस गैस में क्या होगा? ऑप्शन बोल दें, चलो भाई ठीक है, CH4, H2O और O2, पहला ऑप्शन सुन लो,
CH4, H2O and O2, क्या ये सही है? चलो नहीं तो दूसरा ऑप्शन देख लो, कन्फ्यूजन है तो दूसरे ऑप्शन पर क्लियर कर लेना, C2H6, H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड और CO2, क्या ये निकलता है इसके द्वारा? या तीसरा ऑप्शन सुनो, अगर दूसरे पर भी कन्फ्यूजन लग रहा है तो CH4, H2O2, CO2, क्या ये मीथेन निकलता है, हाइड्रोजन परऑक्साइड निकलता है और O2 ऑक्सीजन निकलती है? या चौथा देखना, चौथा क्या कह रहा है? कह रहा है CH4, H2S, CO2, CH4, H2S और CO2, इन चारों में से कौन सी गैसियस मिक्सचर रिलीज होती है एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में स्टूडेंट्स? तो इसका आंसर है कि मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड और कार्बन डाइऑक्साइड, ये रिलीज होती है। ये याद करना होगा आपको और ये आपको याद हो जाना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सोर्स ऑफ, अगला क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग, इस क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द सोर्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड इन mRNA साइलेंसिंग, इज द सोर्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री mRNA साइलेंसिंग में कौन सा सोर्स हो सकता है? ऑप्शन बोलें, ठीक भाई लिख लो, देख लो ऑप्शन भी एक बार आप लोग, एन इन्फेक्शन बाय वायरस हैविंग आरएनए जीनोम, पहला कह रहा है एन इन्फेक्शन बाय वायरस, एक वायरस के द्वारा इन्फेक्शन करा दिया जाएगा, हैविंग आरएनए जीनोम, उसमें क्या होना चाहिए? आरएनए का जीनोम होना चाहिए, उसका इन्फेक्शन करा दीजिए। अरे तो सही है, तो दिया एनसीईआरटी में, मतलब मिल गया हमें आंसर, तो आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। अरे है ना, दूसरा ऑप्शन भी तो देख लो, सेकेंड ऑप्शन कह रहा है कि मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट, क्या मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट्स है, जिसको ट्रांसपोसोन्स कहा जाता है, क्या बोलते हैं उसको हम लोग, ट्रांसपोसोन्स, क्या ये mRNA के साइलेंसिंग में भाग लेते हैं? तीसरा सुनिए, ये भी दिया है आंसर में, फिर कह रहा है बोथ वन एंड टू, ये दोनों ऑप्शन सही है, या फिर आंसर कह रहा है प्रोटीन सही है। आप जरा बता दीजिए भाई एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग कि किसी भी आरएनए इंटरफेरेंस में एमआरएनए की साइलेंसिंग के लिए कौन सा सोर्स होगा? तो आंसर आपके सामने बनेगा कि एक वायरस का इन्फेक्शन जिसमें कि आरएनए का जीनोम होता है वह भी होगा, और मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट जिसको ट्रांसपोसोन्स कहते हैं, बोथ आर करेक्ट, मतलब दोनों सही है। तो हम कौन सा आंसर सही मान के चलेंगे, बोथ वाला? स्टूडेंट ये रहा 9 days की प्रैक्टिस का लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस थे और इसी पैटर्न पर और इसी तरह के क्वेश्चंस आएंगे, ऐसी ही प्रैक्टिस आपको करनी है स्टूडेंट्स। और स्टूडेंट्स हम लोग कल मिलेंगे, कल ठीक फिर इसी टाइम 7 बजे लाइव आपसे मिलूंगा, और 5 ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक को छोटे छोटे एनसीईआरटी 11 12 से सेलेक्ट करके जिस टॉपिक को समझ लेंगे तो 350 नंबर 100% सही होने के चांसेस रहेंगे। माई सेल्फ डॉक्टर एस के सिंह, टीच यू बायोलॉजी आईटी और टंग फ्रॉम शिवानुजा ट्यूटोरियल्स। स्टूडेंट्स मिलते हैं कल शाम को 7 बजे लाइव आपके साथ। जय हिंद।